रेडी स्टार्ट। भारत आज़ादी के 75वें वर्ष में है। एक प्रकार से हम अभी दरवाजे पर दस्तक दे ही रहे हैं। 75 वर्ष का पड़ाव हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व का विषय है और आगे बढ़ने के पर्व का भी है, और इसलिए समाज व्यवस्था में हम कहीं पर भी हों, देश के किसी भी कोने में हों, और चाहे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में हमारा स्थान कहीं पर भी हो, लेकिन हम सभी मिलकर आज़ादी के इस पर्व से एक नई प्रेरणा प्राप्त करके नए संकल्प लेकर के वर्ष 2047 में जब देश आज़ादी के 100वें वर्ष को मनाएगा, उन 100 साल की भारत की आज़ादी के 25 साल हमारे सामने आने हैं, और इन 25 साल में हम देश को कहाँ ले जाने वाले हैं, दुनिया में इस देश की मौजूदगी कहाँ करनी है, यह संकल्प हर देशवासी के दिल में हो। ऐसा वातावरण बनाने का काम इस परिसर का है, इस पवित्र धरती का है, इस पंचायत का है। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश जब आज़ाद हुआ तो आखिरी ब्रिटिश कमांडर थे, वे जब यहाँ से गए तो आखिर तक वे यही कहते रहे थे कि भारत कई देशों का महाद्वीप है और कोई भी इसे एक राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा, लेकिन भारतवासियों ने ऐसी आशंकाओं को तोड़ा जिनके मन में इस प्रकार के शक थे, उनको समाप्त कर दिया। हमारी अपनी जिजीविषा यानी सांस्कृतिक एकता और हमारी परंपराएं आज विश्व के सामने एक राष्ट्र के रूप में हैं और विश्व के लिए आशा की किरण बनकर हम खड़े हुए हैं। यह हमारी 75 साल की यात्रा में संभव हो पाया है। कुछ लोग यह कहते थे भारत एक चमत्कारिक लोकतंत्र था, यह भ्रम भी हमने तोड़ा है। लोकतंत्र हमारी रगों में है, हमारी सांसों में एक प्रकार से बना हुआ है। हमारी हर सोच, हर पहल, हर प्रयास लोकतंत्र की भावनाओं से भरा रहता है। अनेक चुनाव आए, अनेक सत्ता परिवर्तन हुए और परिवर्तित सत्ता व्यवस्था को सभी ने हृदय से स्वीकार करके आगे बढ़ाया। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है, उसके बावजूद भी हमने एक लक्ष्य, एक राष्ट्र को करके दिखाया है। आज जब हम भारत की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी जिसको मैं यहाँ पर स्मरण करना चाहूँगा। विवेकानंद जी ने कहा था, प्रत्येक राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, पहुँचने के लिए एक नियति है, यानी हर राष्ट्र के पास
एक संदेश होता है जो उसे पहुंचाना होता है। हर राष्ट्र का एक मिशन होता है जो उसे हासिल करना होता है। हर राष्ट्र की एक नियति होती है जिसको वह प्राप्त होता है। ब्रह्म